growing the population of India over like 1.2 billion. And out of that, the Muslim population of the minorities is about 18 to 23%, depends on which survey you look at. So out of the 230 million Muslims, majority of them, they live in rural areas. मेरे गांव में ना बहुत कम लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां क्या लड़के भी नहीं पढ़े लिखे पढ़ाई क्या है वो जानते ही तक नहीं है मैं हूं गंगा हजारों वर्षों से यूं ही अटखेलियां करती बहती जा रही हूं कहीं चट्टानों के गालों को थपथपाती तो कहीं पर्वतों की ऊंचाइयां नापती कहीं पत्थरों से खेलती तो कहीं खुले मैदानों को चूमती कहीं जमीन की गहराई को छूती तो कहीं धरती पर लकीरें बनाती सदियों से यूं ही बहती जा रही हूं मैं कभी रुकी नहीं फिर भी वही हूं जहां हजारों साल पहले थी मैं अरमान सारी उत्तर प्रदेश जिला बाराबंकी के सदरुद्दीनपुर गांव की रहने वाली हूं मेरी परवरिश बुनकर परिवार में हुई इस बुनकरी के काम से मैं बचपन से ही जुड़ गई और मैं इस काम को पढ़ाई के साथ साथ करती रही लेकिन हमेशा ये सोचती रही कि मैं और मेरे भाई बहन कब तक पढ़ाई के साथ इस काम को करते रहेंगे चैलेंजर इंटरनेशनल स्कूल टीचर स्टूडेंट्स रेशियो 1:20 इंडिविजुअल अटेंशन हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स वी मेक्स अ चाइल्ड डिसिप्लिन्ड सेल्फ डिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल हमारे आसपास फैला प्रकाश जब किसी चीज से टकरा कर वापस आता है और हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें दिखाई देता है अल फारूकी लाइब्रेरी इज वेल स्टॉक्ड विद ओवर 18,000 वॉल्यूम्स 100 इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स मैगजीन्स सीडीज एंड डीवीडीज एंड एक्सेस टू अबाउट 500 ऑनलाइन जर्नल्स थ्रू डेलनेट जाने क्यों बदलती नहीं है तस्वीर मेरी जाने कब से आसमां है छत मेरा जाने कब से धरती बिस्तरा मेरा जाने कब से सर्द रातों में ठिठुरता हूँ जाने कब बदलेगी तस्वीर मेरी यह कहानी है भारत के हर उस शहर की जहाँ हजारों की संख्या में लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं दिन काम करते हुए बीतता है और रातें फुटपाथ पर भारत के एक बड़े शहर के पास एक गांव अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था एक व्यक्ति उस गांव की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा गांव में पहुंचते हुए उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दिया उसने सोचा यहां रुककर लोगों को देखता हूं शायद पता चल जाए यहां की खुशहाली का कारण